और इसको चला देंगे अंडे में इस मसाले में, एकदम गाढ़ा ग्रेवी। ठीक है, तो चलिए इसको। तो माय न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? काश आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी क्योंकि यहाँ पे पास में ही कुछ सेलिब्रेट हो रहा है। ठीक है, इसलिए मेरी आवाज़ साफ नहीं आ रही होगी। ठीक है, और आज पापा आने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे अंडा लेके आया है, बनाऊंगा और जब तक आएंगे तब तक मेरा अंडा चावल बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाक से बनाते हैं अपना अंडा करी। ओके, चलिए। और जो वीडियो में नए हैं पहले सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, कमेंट कर दे। ठीक है, आप लोग वीडियो देखते भी नहीं हो और वीडियो देखते तो हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते ना लाइक करते हैं। ठीक है, तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और अपना प्यारा से कमेंट जरूर कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं, बनाते हैं चिकन करी। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चावल रख दिया अपना और ये अंडा अब भी रखा हूँ जस्ट, और इसमें हम नमक डाल देंगे। ठीक है, कि आज फटाक से हमारा अंडा हो जाए। अब चलते हैं डायरेक्ट इधर। यहाँ पे देखिए दो प्याज है, इसको काट लेंगे। ओके, और ये इसमें से मिर्चा ले लेंगे। ये देखिए, ये हमने मिर्चा ले लिया ये, और ये प्याज फटाक से काट लेते हैं, तब तक हमारा अंडा भी उबल जाएगा और चावल भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फटाक से काट लेता हूँ। प्याज मर्चा काट लिया हूँ, पर गाइस यहाँ पे अभी ना ये अंडा हुआ है ना यहाँ पे ये चावल हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है देखिए। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम अंडा उतारेंगे, उसके बाद से छीलेंगे अंडा को, उसके बाद फ्राई करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अंडा भी छील लिया, ज़्यादा गर्म था तो ये सब निकल गया है, तो इसका इसमें ही है। ठीक है, और तो चलिए कढ़ाई रखता हूँ मैं। अब कढ़ाई रखूँगा, पहले इसको जला लेते हैं, उसके बाद कढ़ाई रखेंगे, अपना अंडा फ्राई करेंगे। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे कढ़ाई रख दिया हूँ और यहाँ पे हमारा चावल, देखिए चावल भी हो ही गया है। इसको ऐसे हल्का सा ढक देंगे, वेट करेंगे और कढ़ाई गर्म होने का भी। तो दोस्तों यहाँ पे तेल और हल्दी डाल दिया हूँ। ठीक है, और ये अच्छी तरीके से पक चुका है, इसमें ये अंडा अपना। इसको इसको अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें। ठीक है, फ्राई कर लेता हूँ मैं। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे अंडा मैंने फ्राई करके निकाल लिया है, अब इसको डालेंगे प्याज, मर्चा प्याज। ठीक है, ये बढ़िया, इसको अच्छी तरह भूजेंगे तेल में। इसमें अब डालूंगा मैं हल्का सा नमक, नमक डाल दिए। ठीक है, इसको बंद करके रख देंगे और इसको अब इसको हम ढक देते हैं 5-10 मिनट के लिए, ढक देंगे और वेट करेंगे। और यहाँ पे हमारा चावल एकदम एक नंबर हुआ है। ओके, चलिए वेट करते हैं। गाइस ये देखिए अपना प्याज एकदम मस्त तरीके से ब्राउन हो चुका है। ठीक है, अब इसमें मसाला डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से पहले पकाएंगे। तो इसमें हल्दी डाल देते हैं, डाल दिया अपना चिकन मसाला, देखिए क्वांटिटी में। ठीक है, और इसमें हल्का सा पानी डालेंगे मसाला पकने के लिए। ओ, क्या सुगंध है, क्या स्मेल है, मजा आ गया। अब इसको ऐसे ही पकाएंगे जब तक प्याज हमारा
एकदम गल नहीं जाता तब तक। ठीक है, अब इसको ऐसे ही ढक देंगे और पकने का वेट करेंगे। ओके, यहाँ पे हमारा चावल रेडी हो चुका है, इसको बंद कर दिया हूँ मैं, वेट करते हैं इसके लिए। देखते हैं हमारा प्याज, और ये देखिए हमारा प्याज एकदम मस्त तरीके से गल चुका है। ठीक है, एकदम मस्त तरीके से गल चुका है। तो इसमें हम क्या करेंगे, अब अपना ये अंडा इसमें डाल देंगे। ये सारा टूटा हुआ भी इसमें डाल देंगे और इसको चला देंगे अंडे में, इस मसाले में अच्छी तरह मिला देंगे। अब इसको फिर से 5 मिनट के लिए ढक देंगे। ओके, ये मैंने ढक दिया और वेट करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं अपना, ये देखिए अंडा करी एकदम जबरदस्त नीचे से पकड़ रहा है, कोई बात नहीं। ये देखिए एकदम एक नंबर अपना अंडा करी हुआ है। इसमें अब डालेंगे हम पानी, जो ये पानी था अंडे वाला, और क्या नाम है, हल्दी पाउडर रखा था, ये इसमें डाल देंगे और इसको ऐसे ही अब ढक देंगे फुल फ्लेम पे रख के। इसको छोड़ देंगे, अब वेट करते हैं। अब 10 से 15 मिनट 20 मिनट जितना मिनट ओके हो जाएगा तो इसको फटाक से हम उतार देंगे। ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। दोस्तों दिखाता हूँ मैं, बना दिया अपना अंडा करी, यहाँ पे देखिए। ठीक है, ग्रेवी देखिए, पहले ग्रेवी एकदम ये हो गया है, एकदम गाढ़ा ग्रेवी। ठीक है, तो चलिए इसको ढकते हैं। और गाइस कमेंट ज़रूर करिएगा कैसे बनाए कैसे नहीं। ठीक है, तो इसको ढक देते हैं और ठंडा हो जाता है तो 2-3 बजे हम खाएंगे। ओके, चलिए।